बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अहम बात यह कि आपको नोमेनक्लेचर आता हो। नोमेनक्लेचर सीखे बगैर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई भी रिएक्शंस समझ में नहीं आएंगे, आप कंपाउंड्स को नाम ही नहीं ले सकेंगे। नोमेनक्लेचर के अलग से क्वेश्चंस आ सकते हैं एमडी केट में, ई केट में। तो लिहाजा चूँकि स्किल्स क्लास में आज मज़ीद टाइम था तो मैं नोमेनक्लेचर का सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ सिस्टम ऑफ नेमिंग इज़ कॉल्ड नोमेनक्लेचर, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग। अब प्लांट्स का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं बायोलॉजी में, एनिमल्स का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं बायोलॉजी में, इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी। नोमेनक्लेचर का मतलब ये है कि आप कंपाउंड्स को किस सिस्टम के तहत नाम दे रहे हैं। दो फेमस सिस्टम्स हैं, एक को कहते हैं IUPAC सिस्टम, अगले को कहते हैं कॉमन सिस्टम। बहुत सारे कॉमन नेम्स हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं तो, मगर जो IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके अपने कुछ सेट रूल्स हैं। उन रूल्स को आपने सीखना है और उन्हीं रूल्स के मुताबिक क्वेश्चंस आते हैं। सो ये लाइंस देख ले। There are two systems of naming the organic compounds. Number one, the IUPAC system. Number two, the common system. What is IUPAC system? A system of nomenclature that was formulated by the International Union of Pure and Applied Chemistry is called IUPAC system. This system is based on the structural formula of the organic compounds. In this system, there are three parts of the name. एक नाम के तीन पार्ट्स हम बनाते हैं। पहला नाम है प्रीफिक्स, दूसरा पार्ट नाम का है रूट, तीसरा पार्ट है सफिक्स। सो प्रीफिक्स, रूट एंड सफिक्स। या मैं ये बात मेंशन करता चलूँ कि ये जो नोमेनक्लेचर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक फेमस बुक नोमेनक्लेचर की लिखी गई बाय फेमस केमिस्ट्री टीचर्स इन क्वेटा, प्रोफेसर हशामुल हक, प्रोफेसर साबिर साहब, और उन्होंने मुझे बुक गिफ्ट की थी। सो बहुत सारे एरियाज उन्होंने कोशिश की कि इसमें कवर हो, उसी से मैंने ये चीज़ें नोट की और आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको नोमेनक्लेचर याद से मिलेगा। देखिए, एक नाम के हम थ्री पार्ट्स बना रहे हैं, एक प्रीफिक्स, सेकेंड रूट, थर्ड इज सफिक्स। जो नीचे एक कंपाउंड मेंशन किया है, इस कंपाउंड के नेम में हम सर्च करते हैं कि प्रीफिक्स कहाँ मौजूद है, रूट कहाँ मौजूद है, सफिक्स कहाँ पर मौजूद है। पहले आप इस कंपाउंड के लॉन्ग चेन में देख ले कितने कार्बन्स मौजूद है, कि छः कार्बन्स हैं। ब्लू में लेबल किए, कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये छः कार्बन्स हैं। कहाँ कहाँ पर एक एक्स्ट्रा ग्रुप लगा है, जिन्हें हम सबऑर्डिनेट ग्रुप कहते हैं या स्पेशल वाले को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। मैं बताता हूँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा सबऑर्डिनेट ग्रुप है। देखिए, दो जगह ये ग्रुप्स लगे, सबऑर्डिनेट ये मिथाइल ग्रुप लगा है और एक और मिथाइल ग्रुप ये लगा है। कार्बन 4, 5 पर मिथाइल ग्रुप लगा है, कार्बन 2 पर OH हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप लगा है। अब इस कंपाउंड का आप देखिए नेम क्या लिखा है, 4,5-dimethyl। ये जो 4,5-dimethyl लिखा है, इसलिए 4,5-dimethyl लिखा है कि 4 और 5 कार्बन पर दो मिथाइल थे तो डाईमिथाइल। इसे प्रीफिक्स कहते हैं, 4,5-dimethyl को प्रीफिक्स कहते हैं। कार्बन 2 पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, चूंकि हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है यहाँ पर तो इस कंपाउंड का नाम होगा एल्कोहल के नाम से ओल, हम लिखेंगे सफिक्स ओल। जो सफिक्स है ये फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल ग्रुप के नाम पर रखा जाता है, मेन फंक्शनल ग्रुप। अभी हम फंक्शनल ग्रुप्स की लिस्ट पढ़ते हैं और डिफाइन भी करते हैं फंक्शनल ग्रुप को। जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसके नाम पर आप सफिक्स रखेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो आप एल लिखेंगे, ALL। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो ऑइक एसिड, अभी हम देखते हैं। तो रूट नेम क्या है, रूट जो है वो इस कंपाउंड के स्केलेटन को शो कर रहा है कि इन द लॉन्ग चेन कितने कार्बन्स हैं। इन द लॉन्ग चेन 6 कार्बन्स हैं तो 2-hexane, हेक्सेन रूट नेम है, हेक्सेन रूट नेम है। 2 शो कर रहा है इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को, जो कार्बन 2 पर लगा है तो 2-hexanol, ऑल इज सफिक्स।
तो सर कंपाउंड के नाम को आप इन तीन पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, 4,5-dimethyl 2-hexanol। अब प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन देखें, अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स अटैच्ड टू द बिगिनिंग ऑफ रूट एंड दैट इंडिकेट्स द ग्रुप्स अदर देन द फंक्शनल ग्रुप, ग्रुप्स अदर देन द फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड टू द चेन, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सबोर्डिनेट ग्रुप्स। सम कॉमन सबोर्डिनेट ग्रुप्स आर गिवन बिलो। आप देख ले सबोर्डिनेट ग्रुप्स क्या है और उनके साथ हम प्रीफिक्सेस क्या लगाते हैं। NH2 को हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं, CH3 इज मिथाइल, C2H5 इज इथाइल, Cl इज क्लोरो, Br इज ब्रोमो, I इज आयोडो, NO2 इज नाइट्रो। रूट, रूट शो कर रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, कितने हैं, ठीक है, ये इंडिकेट होगा रूट से। और इन सबको हम नाम क्या देते हैं वो भी अभी आपको इस एक्सप्लेनेशन में क्लियर होगा। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। द रूट नेम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग अनब्रांच्ड पेरेंट अल्केन। द रूट नेम्स आर गिवन बिलो। 1 कार्बन एटम है तो मीथा, 2 कार्बन एटम्स है तो आप रूट नेम लिखेंगे ईथा, 3 कार्बन एटम्स प्रोपा, 4 कार्बन एटम्स ब्यूटा, 5 कार्बन एटम्स पेंटा, 6 कार्बन एटम्स हेक्सा, 7 कार्बन एटम्स हेप्टा, 8 कार्बन एटम्स ऑक्टा, 9 कार्बन एटम्स हो तो नोना, 10 कार्बन एटम्स हो तो हम रूट नेम लिखते हैं डेका। सफिक्सेस, सफिक्स हम लिखते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप के नाम पर। इट इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द नेम, एंड ऑफ द नेम, तो पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं फिर रूट फिर सफिक्स। सो इट इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द नेम एंड इंडिकेट्स द नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपाउंड किस फैमिली से बिलोंग करता है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड हैलाइड है, अमाइड है, इपोक्साइड है, क्या है। द सफिक्सेस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर गिवन बिलो। अब आप हेडिंग्स देख लें, क्लासिफाई कैसे किया है, इस टेबल को टेबुलेट कैसे किया है, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट पर होगा, फिर फंक्शनल ग्रुप का सिंबल, फिर उसके लिए सफिक्स में वर्डिंग्स आप क्या लिखते हैं और नेम ऑफ कंपाउंड किस फैमिली से इस फंक्शनल ग्रुप का ताल्लुक है। अगर 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो फंक्शनल ग्रुप इसका एन सफिक्स से शो होगा, और या हम कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा मेंशन नहीं करते, ठीक है, और ये अल्केन की फैमिली है। फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होंगे डबल कार्बन से, डबल बॉन्ड से सॉरी, अगर कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो फंक्शनल ग्रुप अल्कीन डबल बॉन्ड होगा, सफिक्स ईन लगाते ईन ENE, और ये अल्कीन फैमिली से ये फंक्शनल ग्रुप ताल्लुक रखता है। ये सारे पॉइंट्स आपको हर टॉपिक के नॉमेनक्लेचर में अलग अलग क्लियर होंगे, इसलिए कि हम अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर अलग पढ़ेंगे, फिर अल्कीन्स का, अल्काइन्स का, अल्कोहल्स का, ईथर्स का, अल्कोहल्स का, फिनोल्स का, बेंजीन का, इपोक्साइड्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, सब के नॉमेनक्लेचर आप अलग अलग पढ़ने वाले हैं। ये उसकी एक समरी है जो शुरू में आपको क्लियर नहीं होगी अगर आपने FSC में नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड सफिक्स आइन लगाते हैं, अल्काइन इसका कंपाउंड नेम होगा, OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, सफिक्स ओ लगाते ये बिलोंग करता है अल्कोहल और फिनोल्स की फैमिली के साथ। एल्डिहाइड ग्रुप CHO कार्बन 1 पर इस तरह से लगा होगा CHO, इसमें सफिक्स एल लगाते हैं, ये एल्डिहाइड फैमिली के साथ ताल्लुक रखता है। कीटोनिक ग्रुप, अगर वही कार्बोनाइल ग्रुप दरमियान में किसी और कार्बन पर हो तो हम इसे कीटोन कहते हैं, सफिक्स ओन लगाते हैं, कीटोन फैमिली के साथ इसका ताल्लुक है। कार्बोक्साइल ग्रुप COOH, इसके लिए हम सफिक्स ऑइक एसिड लगाते हैं, इट बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। अमाइड, ये देखिए ये है अमाइड, अमाइड का इट बिलोंग्स टू द एसिड अमाइड फैमिली। एसिड हैलाइड नेक्स्ट है, इसके लिए हम ऑयल हैलाइड सफिक्स यूज करते हैं, एसिड हैलाइड की फैमिली से इसका ताल्लुक है। लास्ट इपोक्साइड, ये सिंबल है इसका, इपोक्सी अल्केन ये इसका सफिक्स है, इपोक्सी अल्केन की फैमिली से ताल्लुक रखता है, और ईथर भी इसी में आप पढ़ेंगे। व्हाट आर लोकेटर नंबर्स, आप कार्बन्स के ऊपर जो नंबर लगाते हैं, नंबरिंग करते हैं, इसी को लोकेटर नंबर कहते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3।
These 1, 2, 3s are called locator numbers. These are the numbers used to indicate the position of the functional groups and the subordinate groups. These numbers are always written before the name of parent functional group and the subordinate groups. The complete name of organic compound is written in the following order: prefix, likhte hai pehle, per root, per suffix. पंक्चुएशन हम कॉमाज और हाइफ़न्स लगाते हैं. ये है कॉमा, ये है हाइफ़न. लेटर्स के दरमियान कॉमा लगाते हैं. लेटर्स और वर्ड के दरमियान हम हाइफ़न लगाते हैं. ठीक है. सो कॉमाज एंड हाइफ़न आर यूज इन द IUPAC सिस्टम. द नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय कॉमाज, व्हाइल नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वर्ड्स बाय हाइफ़न. नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन हमारा नोमेनक्लेचर में नेक्स्ट टॉपिक होगा. तो यहाँ से आप इसे डेली नोमेनक्लेचर रिवाइज कर सकेंगे इंशाल्लाह.